धोखा किसने किया? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चुन्नू मुन्नू गद्दार है। और गद्दार यहाँ लोगों को बोलते हैं। शिवराज जी जैसे संत नेता के बारे में क्या कहते हैं? नालायक है। शिवराज जी नालायक है और तुम लायक हो। किस लायक हो भैया तुम? तुम इसी लायक हो कि तुमको सड़क पे ला दिया सिंधिया जी ने, इसी लायक हो तुम। और शिवराज जी हमारे नेता हैं। शिवराज जी ने प्रदेश का विकास किया, किसानों को सही रास्ता दिखाया, किसानों का कर्जा लेने की स्थिति पैदा नहीं। आप सब जानते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले हमारे किसान भाई कितना प्रतिशत सोसाइटी से ब्याज पर कर्जा लेते थे? कितना प्रतिशत पे लेते थे सोसाइटी से ब्याज पर कर्जा? 18%। 4 साल में डबल हो जाता था, 8 साल में 4 गुना हो जाता था। 1 लाख का कर्जा लो, फसल बिगड़ गई, 4 साल बाद 4 लाख हो जाता था, 6 साल बाद 8 लाख हो जाता था। किसान कर्जे में डूबा जाता था ब्याज के कारण। किसान का पुत्र शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, किसानों को बुलाया, पूछा क्या चाहिए तुमको? हमको बिना इंटरेस्ट के लोन दे दो। जाओ तथास्तु, ये शिव महाराज है, तथास्तु हमें बिजली चाहिए। जाओ 24 घंटे बिजली, तथास्तु हमें सड़क चाहिए, गांव तक सड़क दे दी, तथास्तु। हमारे यहाँ गरीब कन्या है, शादी के लिए हमको कर्ज लेना चाहते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं मामा हूँ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 4 लाख से ज्यादा कन्याओं की शादी कराने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है।